नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे लोग जो पहली बार कंप्यूटर छूते हैं, जो पहले लैपटॉप छूते हैं, वो डरते हैं कि क्या मुझे कभी लैपटॉप चलाने आएगा, कंप्यूटर चलाने आएगा नहीं आएगा। तो मेरे साथ भैया बैठे हुए हैं, पहले ये भी कंप्यूटर और लैपटॉप चलाने में छूने में डरते थे, लेकिन आज कंप्यूटर लैपटॉप चलाने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो जिनको कंप्यूटर लैपटॉप चलाना नहीं आता है ना, इस वीडियो को देखिए, आपको गाइड करता हूं, आपको मोटिवेट करता हूं कैसे कंप्यूटर लैपटॉप चलाना सीख सकते हैं, कैसे इंटरनेट चलाना सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें। पूरा वीडियो देखिए, अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो आपके लाइफ में काम आएगा। हाँ, हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जब भी कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। सर जी नमस्ते, कैसे हैं सर आप? बढ़िया। हमारा एक यूट्यूब चैनल चलता है जिसका नाम है जोगिंदर ज्ञान है, और उसके ऊपर लगभग 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। और मैं कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ और लोगों से मिलता रहता हूँ जो कंप्यूटर लैपटॉप में मेहनत से सीखे हुए हैं, जिसमें आप भी हैं और सारी चीज़ें हैं। तो आज हम बात करें इसके लिए, जैसे अभी आप बता रहे थे पहले मुझको कि कंप्यूटर लैपटॉप जब पहले छूने गए ना तो आपको डर लग रहा था, और बिना कंप्यूटर का कहीं कोर्स किए हुए, लैपटॉप का कोर्स किया, कंप्यूटर चलाना सीख ही एकदम है। तो सबसे पहले बताइए, किस सन में कंप्यूटर चलाना आपने छुआ, मतलब किस स्टार्ट किया कब से? देखिए, ऐसा है कि मैं 92-93 में इंग्लिश हिंदी टाइप सीखा था। 92-93 में आपने हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सीखा हुआ था? टाइपिंग सीखा था। अच्छा, वो टाइपिंग मशीन के ऊपर? हाँ, वो टाइपिंग जो नॉर्मल जो मैनुअल वाला जो कचहरी वगैरह में होता है। हाँ। तो हमको शौक था उसको सीखने का। अच्छा, तो शौक था तो जल्दी सीख गए। तो टाइपिंग कर लेते हिंदी इंग्लिश मशीन के ऊपर? हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप कर लेते। उस मशीन के ऊपर कर लेते? खूब तेज चलता उसी से? उसी से। अच्छा अच्छा। इंग्लिश का जो है 55-60 था स्पीड आपका? हाँ। अच्छा, अभी भी है 55-60 स्पीड आपकी है? अभी जब प्रैक्टिस में, अभी क्या मोबाइल में ज्यादा कुछ है, वॉइस से टाइप हो जा रहा है तो ज्यादातर लोग कीबोर्ड नहीं छूते। इंग्लिश हिंदी का टाइपिंग 50 था, हिंदी का कितना था आपका? हिंदी का 30-35 था। 30-35 था, ठीक है। 92-93 का, फिर क्या हुआ? तो 2004 वार के आसपास, 10 साल बाद, 2004 वार में, 1992 को 10 साल बाद, एक मैं सेकेंड हैंड कंप्यूटर लिया एक स्टूडियो से। अच्छा, एक स्टूडियो से मैं सेकेंड हैंड कंप्यूटर लिया। हाँ। और जब कंप्यूटर लिया तो हमको लगा कि कैसे इसको चलाएंगे, लेकिन मेरा भतीजा एक है। कितने में लिया कंप्यूटर उस समय 2004 में आपने? 2004 में सेकंड हैंड 10,000 का लिया था, लेकिन 35-38 हज़ार रुपया उस समय कंप्यूटर नया था। नहीं याद है कितना रैम था, कितना कुछ आइडिया था उस समय? नहीं, बहुत नॉर्मल था, बहुत कुछ स्टार्टिंग में यही लगता था कि बहुत बड़ा चीज है कंप्यूटर लेना। मेरा भतीजा बोला चाचा कंप्यूटर चाहिए, क्योंकि उसका इंटरेस्ट था। हाँ। अब वो हमसे बहुत लगा। 2004 और 3 में कंप्यूटर चलाना मैं भी सीखना स्टार्ट किया था कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के अंदर, तो तब की बात बता रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो भतीजा मेरा कहा चाचा कंप्यूटर चाहिए, तो इत्तेफाक से वो कंप्यूटर में स्टूडियो में सेल हो रहा था, तो मैं उसे ले लिया। अच्छा। और घर में ले गए। हाँ। तो घर में ले गए तो उसका तार वार कैसे लगेगा? हाँ। एक तार वो दे भी नहीं पाए थे, तो हमको लगा कि क्या बात है, इसमें क्यों नहीं चल पा रहा है। हाँ। तो फिर मैं उनको फोन करके बोला, तो जिससे आपने खरीदा था? हाँ, हाँ। तो एक लड़के को भेजे। हाँ। तो वो तार वगैरह सब सेटिंग करके सिखा के गए कि ऐसे ऐसे तार लगता है, उसमें एक तार नहीं था, एक तार मंगवाया भी गया। ओके। तो उसको लगा करके ऑन कर दिए, तब बताया कि ऐसे ऐसे चलता है, कैसे चालू करते, कैसे बंद करते। तो उसमें क्या था कि एक माउस था। हाँ। माउस भी मैं पहली बार, तो जान गए थे कि माउस कहते हैं उसको? नहीं नहीं जानते नहीं थे, वही बताया कि ये माउस है, इसको माउस कहते हैं। हाँ, ये कीबोर्ड है। हाँ। ये मॉनिटर है, ये मॉनिटर है। हाँ। ये सीपीयू है। अच्छा। हाँ। वो जो उसका हार्डवेयर था वो समझा दिया कि ऐसे ऐसे। तो पहले खोलने का कि करंट मार दे, डरे नहीं? नहीं, वैसे तो स्विच लगा हुआ था, तो स्विच से आदमी अच्छा चालू कर लिए, कर ही लेगा। अच्छा। तो उस समय व्हाइट कलर का आता था। अच्छा। कंप्यूटर व्हाइट कलर का। अच्छा। है ना, इतना लंबा ऐसे रहता था। अब तो खैर स्लिम हो गया है, ठीक है। हाँ, समझ। लेकिन वो पूरा टीवी तो चालू कर लिया कंप्यूटर को अपने? तो कंप्यूटर को चालू तो कर लिया। उसके बाद ये हुआ कि कैसे क्या किया जाए, है ना, क्या उसमें काम किया जाए। तो हमको लगा कि हिंदी इंग्लिश टाइप किए थे, तो पहले वो टाइप, वो जो लड़का आया था उससे कहे कि टाइप कैसे होगा। अच्छा, जो कंप्यूटर लगाने के लिए। हाँ, हाँ। तो वो जो है एमएस वर्ड उसमें से खोला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हाँ। अच्छा, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला तो कहा कि देखिए टाइप यहीं से आप कर सकते हैं। तो पहला जिसको कंप्यूटर लैपटॉप सीखना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के जो है उसी पे स्टार्ट करें, कहने का तात्पर्य आपका। हाँ, ये तो मैं ठीक है दोस्तों, आप भी अगर पहले कंप्यूटर छू रहे हैं, आपको टाइपिंग करना स्टार्ट करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहला प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर आप टाइपिंग कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। टाइपिंग जो उस पर किया। हाँ। तो कीबोर्ड पर ज्यादा टाइम नहीं लगा हमको सेट होने में। हाँ। क्योंकि सेम टू सेम जो वो कीबोर्ड था मैनुअल वाला, वही सेम कीबोर्ड इसमें था, लेकिन वो ऐसे नीचे ऊपर रहता है, सीढ़ी के नुमा होता है मैनुअल टाइपिंग मास्टर टाइपिंग वाले में, लेकिन इसमें क्या था एकदम ये था बराबर में था, ऐसे ऐसे करना था। हाँ। तो थोड़ा टाइम लगा, डिस्टर्ब था कि नीचे ऊपर वो रहता था, तो ऐसे ऐसे टाइप करने में
आसानी थे, लेकिन इस पर प्लेन था, फ्लैट एकदम, तो फ्लैट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ थोड़ी देर, लेकिन वो कीबोर्ड जो है उंगलियां उस पे जैसे सेट हुई तो टाइपिंग शुरू हो गया। अच्छा। एक दो दिन थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, उसके बाद फिर स्पीड वही वाली स्पीड लाने का कोशिश किया 12 से 15 दिन में। तो जो लोग कंप्यूटर लैपटॉप सीखना चाहते हैं उनको डरना चाहिए पहले कंप्यूटर चालू, क्यों डरेंगे, क्यों डरेंगे, नहीं उनको मोटिवेट करें। नहीं नहीं देखिए कि पहले जब सीडी आई थी तो सीडी को लोग बहुत आराम से छूते थे कि सीडी टूटने जाए, कहीं स्क्रेच ना हो जाए। पहले से फ्लॉपी आया था, सीडी फ्लॉपी तो डर के लोग छूते थे। लेकिन अभी क्या, धीरे 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 खत्म फ्लॉपी, सीडी खत्म, फ्लॉपी खत्म, सीडी खत्म। कैसेट छूने में डरते थे, रिकॉर्डिंग चलाने में, जब भी कोई नया आता है, मोबाइल ही आया था, कीबोर्ड की पैड वाला आया था छोटा वाला, उस मोबाइल को छूने से लोग डरते थे कि कहीं इधर उधर न दब जाए। 2004 से 2023 हो गया मोटा मोटी, मतलब 20 साल मोटा मोटी हो गया। अब आज कंप्यूटर में क्या क्या जानते हैं आप, है क्या क्या करते हैं? सबसे पहले चीज तो टाइपिंग का तो मास्टर है ही हूं, कर लेते हैं, हिंदी भी कर लेते, इंग्लिश भी कर लेते हैं, दोनों करता हूं, कंप्यूटर पे लैपटॉप दोनों करना है, ये सब चीज हिंदी इंग्लिश दोनों करता हूं। वर्ड पे स्टार्ट किया था, अब क्या, वर्ड पे किया, अभी एक्सेल पर भी कर लेता हूं, पेज मेकर पे भी कर लेता हूं। देखिए भैया कहीं कोर्स किए हुए हैं? कोर्स नहीं किया हूं, जैसे मान लीजिए अब जो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जैसे हमको किसी चीज की जानकारी लेना है तो अब मुझको समझ में आ गया है कि यूट्यूब पे कुछ भी पूछा जाए तो आएगा। अच्छा, यूट्यूब पे सर्च कर संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित जैसे कोई चीज हमको जानना हुआ तो वो जैसे किए तैसे आगे जोगिंदर ज्ञान हमारा चैनल ये प्रमोशन नहीं, रियलिटी बता रहे। अच्छा, तो अब सोचिए कि आज इत्तेफाक है कि जिस जोगिंदर ज्ञान चैनल से मैं कुछ सीखा हूँ आज उनके स्टूडियो में बैठा हूँ। मैं इसके लिए पहले धन्यवाद देना चाहूंगा। नहीं कर, आप क्या क्या कर लेते हैं? कुछ आपसे भी सीखा है, कुछ आपसे भी, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर उन सब सीखे होंगे। तो आप टाइपिंग कर लेते हैं, इंटरनेट, इंटरनेट इंटरनेट से सारा काम, मेल करना, मेल करना है ना, मेल पढ़ना, कोई सिखा जाए डाउनलोड करना, डाउनलोड करना हुआ, किसी को जो है प्रिंट आउट करना, प्रिंट आउट करना, जब वाई टाइप करें तो प्रिंट आउट करें, स्कैन करना, सब पेज मेकर आता आपको है, वर्ड आता है, वर्ड आता है, और एक्सेल आता है आपको, एक्सेल है, एक्सेल फार्मूला लगाना होता है। हाँ, मतलब कुछ कुछ सीखे हुए हैं, जैसे जब कोई और यूट्यूब भैया सीखे हुए हैं, जब कोई चीज नहीं आता है तो यूट्यूब जिंदाबाद। अच्छा, यूट्यूब जिंदाबाद, कंप्यूटर चला लेते हैं, हमें जिनको नहीं नॉलेज है कुछ भी जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाएं। यूट्यूब जाना, देखिए भाई साहब जो कंप्यूटर लैपटॉप सीखना है ना, आज के डेट में एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है यूट्यूब, जिसके माध्यम पे जाकर सर्च करेंगे, जैसे आपको कंप्यूटर सीखना है जाकर सर्च करिए कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, लैपटॉप सीखना है सर्च करिए लैपटॉप कैसे चलाते हैं, हमारा वीडियो आ जाएगा। ये सही है ना सर? अभी अभी कल रात में जो है लैपटॉप से मैं अपना प्रोजेक्टर चला रहा था। अच्छा, तो चल तो गया, उससे चल गया, लेकिन मैं अपने जो है यूपीए से चलाना, इससे सीपीयू से चलाना चाह रहा था, तो मैं तो कनेक्ट कर दिया वायर, उसमें वायर कनेक्ट कर दिया तो उसमें दिख नहीं रहा था, डिस्प्ले नहीं आ रहा था। ठीक है, तो फिर हम यूट्यूब का सहारा लिए। अच्छा, यूट्यूब में बोले कि भाई मतलब से कैसे, अब तो आपको पहले लोग पूछते थे दूसरे से कि भैया बता दो कैसे होता था, अब जो क्या करते हैं यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर लेते हैं। जो नए लोग हैं उनको कुछ बताना चाहेंगे आप, जैसे आपने सीखा मेहनत करके? देखिए ऐसा है कि लगन होनी चाहिए, सबसे पहली चीज लगन होनी चाहिए लोगों को, हमको क्या करना है। अगर लगन है तो मन से काम कर ले जाएंगे, सीख जाएंगे। किसी के कहने से अगर कोई चीज सीखता है तो नहीं हो पाता, लेकिन खुद का लगन हो। हाँ। जैसे मेरी चॉइस थी, मेरी खुशी थी, मेरा पसंद था कि हमको हिंदी इंग्लिश टाइप करना है, तो हम 1.5-2 महीने के अंदर ही अच्छा खासा सीख लेंगे। इंग्लिश आना चाहिए इसमें से सीखने के लिए। इंग्लिश नहीं आएगा तो कैसे क्या करेंगे, इंग्लिश थोड़ा बहुत। वैसे बहुत सारे लोग देखते हैं इंग्लिश नहीं आता, वो भी सीखते हैं कंप्यूटर लैपटॉप। देखिए ऐसा है कि कर सकते हैं, मेहनत करें, अंग्रेजी जैसे कंप्यूटर सीखे वैसे इंग्लिश भी सीख सकते हैं, एकदम सीख सकते हैं, इंग्लिश क्यों नहीं सीखे। ये बहादुर जी थे और बड़ा मेहनत से इन्होंने जो अपने लैपटॉप कंप्यूटर चलाना सीखा हुआ है, और ये जो अनभिज्ञ लोग हैं, जो बिगनर लोग, बता रहे थे कि प्रयास करेंगे तो आप हिमालय पर्वत भी चढ़ जाएंगे। तो लैपटॉप कंप्यूटर की बात है दोस्तों, ये सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए फोटोशॉप में भी जाके फोटो का भी काम कर देते हैं, सब कर लेते हैं, फोटो प्रिंट भी कर, सब यूट्यूब पे देख देख के वीडियो सीखा हुआ। ठीक है दोस्तों, दम आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो मोटिवेट होइए और आप भी लगन से काम करिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और ऐसे लोग से हम लाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि आपके पावर आना चाहिए आपके अंदर से कि हाँ आप सीख सकते हैं। दोस्तों चलिए, आप सब लोग को नमस्ते, आप सबको धन्यवाद सर।